सो बेटा ओमिक डिवाइसेस का जो ग्राफिकल वेरिएशन है दैट इज टू बी कंटिन्यूड. ओके, सो मैंने क्या बताया आपको अभी कि ओमिक डिवाइसेस में जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वोल्टेज, दैट डजंट चेंज विद द चेंज इन वोल्टेज, सो दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट अंडर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड अंडर नॉर्मल वोल्टेज. ओके, नाउ अगर आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ डिवाइस ओके हुज आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स आर शोन. आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स द ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज. आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स आर शोन. देखो बेटा ग्राफ क्या है, आपका ग्राफ ऐसे आपका ग्राफ बेटा ऐसे आ रहा है, 0, 1, 2 एंड दिस इज 1, दिस इज 2, लेट इट बी एंड द ग्राफ इज लाइक दिस. Now I want to know what is the resistance. First of all, is this the ohmic device or non-ohmic device? तो आपको सीधे बेटा पता चलेगा यहां जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन है. दिस इज द ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज. इट इज स्ट्रेट लाइन, सो व्हेन इट इज स्ट्रेट लाइन दैट मीन्स इट ओबेज ओम्स लॉ एंड ओम्स लॉ इज ओबेड बाय ओनली विच डिवाइसेस, ओमिक डिवाइसेस. तो और एक मतलब यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो हर पॉइंट पे सेम होगी, दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज. अभी मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि रेजिस्टेंस फॉर ओहमिक डिवाइसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज. नाउ व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, मैंने अभी पहले लेक्चर में पढ़ाया आपको दैट रेजिस्टेंस ग्राफिकली कैन बी डिटरमिन बाय फाइंडिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप. तो आप स्लोप निकालो उसका रेसिप्रोकल ले लो, उससे आपको बेटा क्या निकलेगा, रेजिस्टेंस. सो बट स्लोप क्या होता है बेटा, टैन थीटा. तो टैन थीटा किससे निकलेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस. तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, ये इतना ले लो अपनी मर्जी है. सो लेट अस टेक दिस वन एज राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, सो जब आप ये राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हो तो आप देखो बेटा यहां पर बेस ये आ रही है, ये थीटा आ रहा है और ये आ रहा है परपेंडिकुलर. चलो शुरू करो बेटा, इसमें जो टैन थीटा है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर. हाउ मच इज द परपेंडिकुलर, आप अगर चेक करोगे ये बराबर 1 तक कोइंसाइड कर रहा है. सो परपेंडिकुलर यहां पे बेटा कितना है, इट इज 1 डिवाइडेड बाय हाउ मच इज द बेस, 0 to 1 बेस कितनी आएगी बेटा, 1. सो यहां पर टैन थीटा कितना आ गया, 1. सो देयरफॉर रेजिस्टेंस कितनी आ गई बेटा, 1 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 1 ओम. यू नो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस राइट फ्रॉम 9th क्लास, यू माइट हैव स्टडीड अबाउट द यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस. सो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस ओमिक डिवाइस विच शोज दिस ग्राफिकल वेरिएशन, 1 ओम. सो आप सीधे कोई भी ओमिक डिवाइस हो उसमें आप स्लोप निकालो और उसका रेसिप्रोकल ले लो, वो उस डिवाइस की रेजिस्टेंस आपको निकालेगा. सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ ओमिक डिवाइसेस. नाउ लेट अस मूव टू द नॉन ओमिक डिवाइसेस. बेटा नॉन ओमिक डिवाइस बोर्ड में अक्सर आता है, कौन सा कोई नॉन ओमिक डिवाइस बताओ, कोई डिवाइस बताओ जो ओम्स लॉ को बेटा ओबे नहीं करता. उसमें बेस्ट एग्जाम्पल है डायोड्स की. आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जब पहुंचोगे वहां पे आपको पता चलेगा व्हाट दीज डायोड्स आर. ओके, सो ये ओम्स लॉ को ओबे, सो दे आर नोन एज विच डिवाइसेस, नॉन ओमिक डिवाइसेस. इवन अगर आपने कंडीशन भी रखी, टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट रखा, आपने वोल्टेज भी नॉर्मल रखा, तब भी ऐसे डिवाइसेस, तब भी ये डायोड ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा. उसका मतलब क्या हुआ, इन सच डिवाइसेस क्या करंट और वोल्टेज लीनियरली इंक्रीज होगा, द आंसर इज नो.
ऐसा नहीं होगा, बल्कि करंट अगर वोल्टेज के साथ बढ़ेगी भी, बट नॉट लीनियरली बट नॉन लीनियरली। एक डायोड की मैं बात करना चाहता हूं, जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, नॉन ओमिक डिवाइसेस का जो ग्राफ होता है, आईवी ग्राफ, वो ऐसे भी हो सकता है। पहले वोल्टेज लीनियरली बढ़ता है, लेकिन उसके बाद एट सर्टन वोल्टेज नोन एज ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन और नी वोल्टेज, वहां पे क्या होता है, करंट एब्रप्टली बढ़ रही है। जरा आप इस ग्राफ पे गौर करो, आप मुझे बताओ इस ग्राफ में क्या करंट और वोल्टेज का ग्राफ लीनियर आ रहा है बेटा? नहीं। तो जब ये ग्राफ लीनियर नहीं है, दैट मींस दिस इज नॉट एन ओहमिक डिवाइस, बट दिस इज विच डिवाइस, नॉन ओहमिक डिवाइस। हमने अगर यहां टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट रखा है, वोल्टेज नॉर्मल रखा है, लेकिन तब भी यहां आईवी ग्राफ लीनियर नहीं है बल्कि नॉन लीनियर आ रहा है। तो इस ग्राफ में आप मुझे बताओ क्या यहां पे हर एक जगह पे क्या इसका स्लोप सेम है? द आंसर इज नो। आप देखो पहले स्लोप कम आ रहा है, आप देखो सीधे इमेजिन करो आपकी गाड़ी इस पे चल रही है, आप मुझे बताओ क्या इस स्लोप की स्टीपनेस बढ़ रही है या कॉन्स्टेंट है? सीधे इमेजिन करो, इसकी स्टीपनेस बढ़ रही है, इसका स्लोप बढ़ रहा है, लेकिन स्लोप क्या देता है हमें? रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप हमें रेजिस्टेंस देता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर विद द चेंज इन वोल्टेज रेजिस्टेंस भी क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉन ओमिक डिवाइसेस में ये जो बेटा रेजिस्टेंस होती है, दैट नेवर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, That continuously changes. In this graph, R जो है, you know, R is given by the reciprocal of the slope. But here, what this slope is? देखो, इस वोल्टेज पे एक स्टीपनेस है, इस वोल्टेज पे दूसरी स्टीपनेस है, इस वोल्टेज पे और ज्यादा स्टीपनेस है, तो विद द इंक्रीज इन वोल्टेज स्लोप कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस। सो व्हेन स्लोप इंक्रीजेस, What will happen to resistance? यहां पर इस ग्राफ में जब स्लो बढ़ गया, रेजिस्टेंस घट जाएगी। तो क्या इस डिवाइस में रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट है या चेंज हो रही है? Obviously it changes. तो इसका मतलब ये हुआ ना, therefore for non ohmic devices, okay, resistance does not remain constant. फिर क्या हो रहा है, and depends upon or varies with respect to the voltage. ओमिक डिवाइसेस में क्या होता था, वोल्टेज के वेरिएशन से रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आ रहा था, लेकिन नॉन ओमिक डिवाइसेस में वोल्टेज के चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज हो रही है। तो क्या बेटा इन डिवाइसेस में V बाय I का जो रेशियो है, जो R है, क्या वो कॉन्स्टेंट है या वेरिंग है? ऑब्वियसली इट इज वेरिंग। सो इफ यू ड्रॉ द ग्राफ फॉर नॉन ओमिक डिवाइसेस बिटवीन I एंड V, दैट विल बी नेवर लीनियर, दैट विल बी ऑलवेज नॉन लीनियर, एंड दिस नॉन लीनियरिटी साइन शोज अस दैट द रेजिस्टेंस continuously changes with the change in voltage. तो क्या मैं कह सकता हूं, क्या मैं यहां पर बेटा लिख सकता हूं कि जो non-ohmic devices की resistance होती है, therefore resistance for non-ohmic devices depends upon the applied voltage. ओके लेकिन बताओ ओमिक में क्या होता था, उसमें वोल्टेज पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है? नहीं। तो यहां पर हर जगह पे हर वोल्ट डिफरेंट वोल्टेजेस पे डिफरेंट रेजिस्टेंसेस के वैल्यू आएगी। इज दैट क्लियर? ओमिक में डिफरेंट वोल्टेजेस पे रेजिस्टेंस सेम आएगी। दिस इज द ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ करंट विद रेस्पेक्ट टू वोल्टेज इन नॉन ओमिक, एंड दैट वॉज द ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ
करंट विद रेस्पेक्ट टू वोल्टेज इन ओहमिक डिवाइसेस। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ ओहमिक क्या होता है, नॉन ओहमिक क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको दो ग्राफ्स फिर से यहाँ पे बना के रखूंगा। ओहमिक डिवाइस का ग्राफ शाबाश कैसा होगा बेटा, लीनियर, किसी भी एंगल पे हो सकता है लेकिन लीनियर होगा। लेकिन अगर नॉन ओहमिक की बात करेंगे तो दैट विल नेवर बी लीनियर, दैट कैन बी लाइक दिस। हाँ, कैसा भी। सो दीज ग्राफ्स रिप्रेजेंट विच डिवाइसेस, नॉन ओहमिक, एंड दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स विच डिवाइस, ओहमिक डिवाइस। इज दैट क्लियर? सो दिस वॉज अबाउट द ग्राफिकल वेरिएशन और VI ग्राफ फॉर ओहमिक एंड नॉन ओहमिक डिवाइसेस। थैंक यू। इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेजिस्टेंस।